झारखंड के विधायक सरयू राय हमेशा अपने बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में बने रहती है। सरयू ने एक बार फिर से ट्रॉफी टी शर्ट घोटाले को लेकर पूर्व सीएम रघुवर दास पर हमला किया है। उन्होंने रघुवर दास का नाम लिए बिना कहा है कि ट्रॉफी टी शर्ट घोटाले के अभियुक्त को अपने में जेल गेट दिख रहा है। सरयू ने ट्वीट किया कि पशुपालन घोटाले में हरियाणा से राज्य स्कूटर और टेम्पो पर गाय आई थी, जिसका उन्होंने खुलासा किया था। इस मामले में दर्जनों लोग सजा भुगत रहे हैं। वहीं ट्रॉफी टी शर्ट घोटाले में लुधियाना में रांची टेम्पो पर 5 करोड़ की टी शर्ट आई है। अब अभियुक्त को सपने में जेल गेट दिख रहा है। सरयू राय ने कहा कि 2016 में 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस पर टी शर्ट पहनकर राज्य के सभी स्कूली विद्यार्थियों को प्रभात फेरी करनी थी। लुधियाना में टेम्पो पर टी शर्ट को खेप चली 16 और 17 नवम्बर को, लेकिन भाइयों ने 12, 13 और 14 नवम्बर को ही रांची में टी शर्ट प्राप्त करके पूरे राज्य में वितरण दिखाकर बिल का भुगतान कर दिया। फिलहाल पूरे मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास पूरी तरह से घिरे हुए नजर आ रहे हैं।